जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा गुरुवार को की कार्यवाही में मारे गए चार आतंकवादियों में से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर भी था। जेईएम का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती यासीर आतंकवादी संगठन के सरगना मसूद अजहर का करीबी माना जाता था। राज्य के पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा कि त्राल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शुरू की गई संयुक्त कार्यवाही में मारे गए आतंकवादियों में जेईएम का ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती यासीर भी था। गौरतलब है कि 8 घंटे चली मुठभेड़ में जेईएम के चार आतंकवादी मारे गए और साथ ही एक जवान और राज्य पुलिस का एक हवलदार शहीद हो गया। डीजीपी ने मारे गए आतंकवादी की तस्वीर ट्विटर पर अपलोड की जिसमें वह जेईएम के संस्थापक मसूद अजहर के साथ खड़ा है। यह तस्वीर मीडिया ने कुछ सालों पहले पाकिस्तान में ली थी। अजहर को 1999 में जम्मू जिले के कोटवल वाल जेल से रिहा कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था, जहाँ उसे इंडियन एयरलाइंस को उड़ान संख्या IC 814 के बंधक बनाए गए 158 यात्रियों के बदले छोड़ दिया गया था। मुठभेड़ में मारे गए दो अन्य आतंकवादियों में शेख उमर और मुश्ताक अहमद जरगर भी थे। उन्हें भी यात्रियों को बंधक बनाए जाने के बदले छोड़ दिया गया था।